और अभी मेरे हाथ में ये ईडी की तरफ से जारी रिमांड पेपर है, 13 पन्नों का ये पूरा वो दस्तावेज है जिसमें संजय राउत के ऊपर तमाम वो आरोप लगाए गए हैं कि किस तरह से पात्रा जमीन घोटाला में संजय राउत की इन्वॉल्वमेंट है। इसकी बारीकी से जो है विश्लेषण भी मैं आपके बीच में करूंगा और पॉइंट टू पॉइंट उसे आपके बीच में रख के समझाऊंगा भी। लेकिन आज हमारा आपसे एक सवाल है और वो ये कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपों में की गई कार्रवाई से ये कहते हुए बचा जा सकता है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सोचिए ऐसा क्यों है कि जब देश में किसी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई होती है तो उसका पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि वो नेता तो विपक्ष में है इसलिए ये सब कार्रवाई की जा रही है। पिछले 24 घंटे से हमारे देश में यही सब हो रहा है। शिवसेना के नेता संजय राउत को आज कोर्ट ने 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया, लेकिन इस पूरे मामले को ऐसे पेश किया गया जैसे ईडी संजय राउत को विपक्ष में होने की सजा दे रहा है और उन पर जाति की जा रही है। हमारे देश में नेताओं के प्रति ये सहानुभूति कोई नई बात नहीं है। जब भी किसी नेता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते हैं तो वो इसे राजनीति से जोड़ देता है, यानी राजनीति के सहारे नेता पूरे मामले को गोलमोल कर जाते हैं और उनके द्वारा किए गए घोटालों और भ्रष्टाचारों पर ईमानदारी से कभी कोई बात हो ही नहीं पाती। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको संजय राउत पर लगे तमाम आरोपों का सच बताएंगे और इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि जिस देश में ईमानदारी का सारा बोझ आम आदमी पर डाल दिया जाए और नेताओं को बेईमानी करने के लिए खुला छोड़ दिया जाए उस देश में डेमोक्रेसी वाकई खतरे में आ जाती है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि क्या संजय राउत की गिरफ्तारी वाकई एक राजनीतिक प्रकरण है। ईडी के मुताबिक संजय राउत पर न सिर्फ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं बल्कि ये दावा भी है कि उन्होंने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके सरकारी अधिकारियों को प्रभावित किया है, गलत तरीके से संपत्ति खरीदी और उनके पत्नी के बैंक खातों में लाखों रुपए जमा हुए। इस पूरे घोटाले को पात्रा चौल घोटाले या फिर पात्रा चौल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम के नाम से भी जाना जाता है और इसी की एक कॉपी ये दस्तावेज ईडी ने जो अपने प्रमाण रखे हैं, ईडी ने जो अपनी बातें रखी है वो यहां पर है। दरअसल उत्तरी मुंबई के गोरेगांव में एक इलाका है जिसे सिद्धार्थ नगर कहते हैं। यही सिद्धार्थ नगर पात्रा चौल के नाम से भी मशहूर है। लगभग 47 एकड़ की जमीन पर फैले इस इलाके में एक समय 672 घर हुआ करते थे। इसके बाद महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तय किया कि वो इस इलाके में रहने वाले लोगों को नए घर बना कर देगी और इस जगह को रीडेवलप किया जाएगा, यानी फिर से इसे विकसित किया जाएगा। पात्रा चौल में स्थित जो 672 घर थे वहां रहने वाले लोगों को ये सपना दिखाया गया कि सरकार बिल्डर्स के साथ मिलकर उन्हें पक्के घर बना कर देगी, यानी हर परिवार का अपना एक फ्लैट होगा, अपना एक आशियाना होगा, अपना एक घर होगा। इस सपने ने इन लोगों को एक नई उम्मीद दी और यहां रहने वाले लोगों को ऐसा लगा कि रीडेवलपमेंट के नाम पर अब वो घर खाली कर दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्हें नया ठिकाना मिल रहा था, नया घर मिल रहा था। और इसके बाद वर्ष 2008 में एक एग्रीमेंट भी हुआ, यानी एक समझौता हुआ। यह समझौता 3 पार्टियों के बीच में हुआ था। पहले लोग वो थे जिनके यहां पर घर हुआ करते थे, दूसरी पार्टी थी महाडा यानी कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और तीसरी पार्टी थी रियल एस्टेट कंपनी जिसका नाम था गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इस समझौते के तहत इस कंपनी को 47 एकड़ की इस जमीन पर कुल 16 बिल्डिंग तैयार करनी थी जिनमें पात्रा चौल के लोगों के लिए 672 फ्लैट्स तैयार होने थे। और इसके अलावा इस कंपनी को महाडा को अलग से 1,11,476 वर्ग मीटर एरिया कंस्ट्रक्शन बिल्डअप के लिए देना था। और इन तमाम रीडेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स के बाद जो जमीन बचती उसे ये कंपनी डेवलप करके, यानी कि वहां पर प्राइवेट डेवलपर्स के साथ फ्लैट्स बनाकर लोगों को बेच सकती थी। हालांकि यहां शर्त यह थी कि इस कंपनी को पहले 672 फ्लैट्स तैयार करने हैं, वही 672 फ्लैट्स जिन्होंने अपने आशियाने को यहां पर दे दिया था इस उम्मीद से कि शायद उन्हें नया घर मिलेगा। लेकिन इनसे ऐसा नहीं हो पाया, यानी इसने ऐसा किया ही नहीं।
और आरोप यही है कि समझौते के विरुद्ध इसने बाकी बची हुई जमीन को पहले ही 7 बिल्डर्स को बेच दी, जिससे इस जमीन को यानी इस कंपनी को करीब 900 करोड़ रुपए इस जमीन से हासिल हुए। इसके अलावा इस कंपनी ने इस जमीन पर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट भी शुरू किया, जिसे मियोडॉज नाम से भी दिया गया। और ये बताया गया कि इस नाम की सोसाइटी में कुल 458 फ्लैट्स बनाए जाने थे। और आरोप ये भी है कि इस कंपनी ने हाउसिंग सोसाइटी तैयार किए बिना ही एडवांस में फ्लैट्स बेचकर 138 करोड़ रुपए और जुटा लिए। और इस तरह जिस जमीन पर सबसे पहले पात्रा चौल के लोगों के लिए 672 फ्लैट्स बनने थे, उस जमीन के काफी हिस्से को बेचकर इस कंपनी ने 1039 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम हासिल कर ली, जुटा ली। और ये पूरा भ्रष्टाचार किया गया।